चैनल। तो जैसे आपको पता है कि गर्मियाँ कितनी बढ़ रही हैं, तो हमें गर्मियों में क्या करना चाहिए, हमें बेल का जूस पीना चाहिए, क्योंकि उससे जो हमें हमें बहुत ठंडक पहुँचती है, इसलिए हमें इसको पीना चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि बेल का जूस कैसे बनाते हैं। गाइस ये देखिए, इसको ऐसे करके प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल ईजिली निकल जाएगा। ये देखिए ऐसे निकलेगा। अब इसको स्पून से निकाल लेंगे। ये देखिए गाइस, ऐसे खुर्च खुर्च के हमने सारा ये निकाल लिया है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। अब हमने इसमें 5 चम्मच चीनी डाले हैं और अब इसमें पानी डालेंगे। अब इसको मैश कर देंगे। वैसे तो गाइस ये ना हाथ से ही मैश होता है, क्योंकि इसके अंदर बीज होते हैं ना, वो निकालने बहुत ज़रूरी होते हैं, नहीं तो थोड़ी सी करवाहट आ सकती है। तो मैं अपने अब हाथ से ही इसको मैश करूँगी। इसको मैश करके सारा इसका गुद्दा निकाल दूँगी। गाइस ये देखिए, हमने ऐसे मैश कर लिए इसको, पानी डाल के बिल्कुल पतला सा कर लिया इसको। अब हम इसको इसमें छलने में छान लेंगे। देखो इसका मटेरियल ऐसे सारा कर लिया है। इसमें अभी और भी पानी डाल के इसका और भी रस निकल जाएगा। अभी देखो बिल्कुल ये देखो बेलगिरी का जूस बन गया है ये। अब इसको बिल्कुल चिल्ड करके आप इसको पी सकते हो। गाइस ये हमारा बिल्कुल शेक तैयार है। अब हम एक गिलास में इसको बनाएंगे। 2 आइस क्यूब डालेंगे और ये जूस बनाएंगे। ये हमारा जूस बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको सुबह दिन में ही इसको पीना है, और ये बहुत ठंडा रहता है गर्मियों में। अगर आपकी इच्छा हो तो इसमें ब्लैक नमक भी आप डाल सकते हो, इच्छा अनुसार अपना ब्लैक नमक यूज कर सकते हो। थैंक यू।